ऋषि कपूर की आज चौथी डेथ एनिवर्सरी है। 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। 2018 में उन्हें कैंसर हुआ था। ऋषि का अमेरिका में 11 महीनों तक इलाज चला था, जिसके बाद वे भारत लौट आए थे और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। चिंटू जी के नाम से मशहूर ऋषि कपूर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। मेरा नाम जोकर में अपनी पहली फिल्म से लेकर अपनी आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन तक उन्होंने अपने एक से बढ़कर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस और करिश्माई पर्सनैलिटी से दर्शकों को हर बार हैरान किया। ऋषि कपूर हिंदी फिल्मों के चॉकलेटी बॉय भी कहे जाते थे। इसके अलावा फिल्मों में कलरफुल और अलग अलग डिजाइन वाली खूबसूरत स्वेटर्स के चलन को पॉपुलर करने वाले भी ऋषि कपूर ही थे। ऋषि कपूर का जन्म राज कपूर और कृष्णा राज के घर 4 सितंबर 1952 को हुआ था। राज कपूर के 3 बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर और 2 बेटियां रीमा जैन और ऋतु नंदा हैं। शम्मी कपूर और शशि कपूर ऋषि के अंकल थे। पिता, दादा और अंकल ने ऋषि कपूर के बॉलीवुड डेब्यू से पहले अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ते हुए बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल किया था, जिसके बाद ऋषि ने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए ऋषि को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था। इससे जुड़ा एक किस्सा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में बताते हुए कहा था, जब मैं मुंबई लौटा तो मेरे पिताजी ने उस अवार्ड के साथ मुझे अपने दादा जी पृथ्वीराज कपूर के पास भेजा। मेरे दादाजी ने वो मेडल अपने हाथ में लिया और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरे हाथ को चूमा और कहा, राज ने मेरा कर्जा उतार दिया है।